नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के सुरक्षा कर्मियों की मीडिया कर्मी से गुंडागर्दी सामने आई है। पटना में तेज प्रताप यादव के सिक्योरिटी गार्ड पर कैमरा पर्सन के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। इससे पहले हंगामे में तेज प्रताप यादव की मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेज प्रताप यादव के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया के कैमरा पर्सन से मारपीट की है। गाड़ी के पीछे आया है कैमरा पर्सन का पैर आ गया है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कर्मियों के बीच काफी मारपीट हुई है। बंगाल में एक बार फिर चुनाव के दौरान हिंसा की तस्वीर आई है। पिछले चरणों की तरह आज सातवें चरण बंगाल में हिंसा हुई है। बंगाल में हिंसा की दो तस्वीर देखिए, बरसात जादवपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर हिंसा हुई है। इसके अलावा कई जगहों पर बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर वोटरों को डराने, धमकाने और उनके मंडल अध्यक्ष को पीटने का आरोप लगाया है। इस बीच हार्बर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीलांजन की कार पर डोंगरिया क्षेत्र में हमला कर तोड़फोड़ की गई है। जादवपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष की जमकर पिटाई की है। लगातार हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी 3:30 बजे चुनाव आयोग से शिकायत करेगा। बंगाल में हिंसा का दौर आखिरी चरण में भी जारी है, जहां बरसात और जादवपुर में हिंसा हुई है। आज आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है। इसी बीच शनिवार से ही विपक्षी नेताओं ने अगली सरकार बनाने के लिए गठबंधन करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने यहां कांग्रेस, भाकपा, राकांपा और अन्य नेताओं से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनके साथ ही सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने और एक संयुक्त विपक्षी गठबंधन बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही नायडू ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर गठबंधन पर चर्चा की। चंद्रबाबू नायडू आज फिर राहुल गांधी से मिले और शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं सूत्रों के मुताबिक नायडू सभी नेताओं से भाजपा को बाहर रखकर अगली सरकार बनाने की चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर के लिए मतदान जारी है। मोदी के मंत्री एक और जहां एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में बीजेपी की मदद से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार का मन शायद नतीजों से पहले एक बार फिर से भटकने लगा है। नीतीश कुमार ने पटना में वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश से साध्वी के बयान को लेकर जब उनसे प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा, ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीजेपी को उन्हें बाहर निकालने पर जरूर विचार करना चाहिए। ये देश और कोई दूसरे के बारे में कोई इस तरह की बात करेगा तो पूरे देश में किसी भी व्यक्ति बीजेपी पार्टी से निकाल क्यों नहीं रही है उनको, केवल माफी मांगवा रहा है, इसका नुकसान। लेकिन जहाँ तक सवाल है देश का या हम लोगों की सोच का सवाल है, प्रश्न ही नहीं पैदा होगा इस तरह की बात को हम लोग को। आप लेकिन कहते हैं कि सांप्रदायिकता से नहीं कोई समझौता करेंगे, लेकिन इस तरह के सांप्रदायिक लोग रहेंगे तो कैसे होगा। माफी मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति क्या बोला उस पर रिएक्शन देना, एक्शन लेना पार्टी का काम, लेकिन जहां तक किसी भी व्यक्ति का इस तरह का विचार है ये हम लोग